अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज इतनी अच्छी बारिश हुई है ना, और बारिश के बाद अभी फिर से धूप निकल आई है, लेकिन वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग चल पड़े जी शॉपिंग की तरफ। और अभी यहाँ तक तो मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन एक टिप है कि जब भी आप बाहर निकलने लगें तो वेदर पहले जो है वो ज़रूर चेक किया करें। हम लोग जो हैं वो जल्दी से पहुंच चुके थे बर्लिंगटन के पास, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेनी थी, जैसे हेयर ब्रश होता है और एक तो जो है वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट ही लेनी थी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि पहले हम लोग जो हैं वो बर्लिंगटन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके। और अभी अब हम लोग आगे हैं जी बर्लिंगटन, और बर्लिंगटन से मैंने कुछ थोड़ी छोटी सी चीज़ें लेनी है। मेन तो मैंने जाना है आल्डी और वहाँ से करनी है मैंने ग्रॉसरी, तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी मैं। मीनसी क्योंकि स्कूल स्टार्ट होगा सितंबर में, तो यहाँ पे शुरू में उन्होंने जो है वो स्कूल बैग्स रखे हुए थे, और मैं हैरान हो गई थी कि इतने अच्छे अच्छे ब्रांडेड जो है ना स्कूल बैग्स $15 के, $16 के, $20 के यहाँ पे लगे हुए थे। और ये था जी ब्यूटी सेक्शन, और शायद मैं ही गलत थी क्योंकि मैं इस साइड पे ढूंढ रही थी कि मुझे शायद हेयर ब्रश मिल जाए, लेकिन असल में वो बिल्कुल बैक साइड पे थे। और मैं यहाँ से एक चक्कर तो लगा के फिर दूसरी साइड पे ढूंढने के लिए चली गई, और वहाँ पे जो वर्कर थी ना मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मुझे तो कोई हेयर ब्रश यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा ना। मैं बड़ी हैरान हो गई कि अच्छा सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ना तो कंघी नज़र आ रही है ना कोई हेयर ब्रश नज़र आ रहा है। तो हैरानी की बात थी क्योंकि सारा ब्यूटी सेक्शन यही था, लेकिन असल में उन लोगों ने क्या किया हुआ था कि बिल्कुल जो है ना जूतों के सेक्शन के पीछे जो है बैक पर जो है वो जो पोनियाँ होती हैं और जो क्लिप्स होते हैं और इसके साथ साथ जो ब्रशेज़ होते हैं, कॉम्स होती है ना हेयर की स्टाइलिंग की, जितनी चीज़ें होती हैं तो उन्होंने बैक पे रखी हुई थी। अभी हम लोग आ गए हैं जी आल्डी, और लेट्स सी के सो ये जो है ना यहाँ पे इन लोगों ने रखी हुई है, इसको आप ऐसे साफ कर लें। बहुत सारे वेजिटेबल्स लेनी है यहाँ से, इनके पास ग्रेप्स हैं 179 और ग्रीन वाले बच्चों को पसंद है, सो लेट्स टेक द ग्रीन वन, लेट्स टेक द रेड वन जो है 179। और ये मैंगो चेंग्स चांस इन लोगों ने काट के रखे हुए यहाँ पे, सो मैं जो है ये भी ले लेती हूँ। ये जो मैंगो है ये कितने के हैं जी, 429 का एक। तो यहाँ पे चेरीज हैं, अच्छा गोभी पड़ी हुई है, गोभी जो है 279 की है यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड उससे कह रहे थे कि ब्रोकली पर पाउंड है ये 199, और हम लोग ले लेते हैं जी यहाँ पे। इनके पास मशरूम्स हैं आप कैरेट 2 pounds है, और ये हैं जी 179। अगर आप कहें यहाँ पे स्पिनिश भी है इनके पास, सैलड भी है, अच्छा आप ना स्पिनिश मिक्स वाला दे देती हूँ यहाँ पे। मुझे ना वो मिक्स वाला सैलड चाहिए, उसे ये नहीं होता ये $3 का। अच्छा ये जो था ना एप्पल का सेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स पड़े हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन फिर मैंने जो काला एप्पल्स है वो लिए थे क्योंकि
अजलान जो है ना उसके मोस्ट फेवरेट हैं कि वो एप्पल्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और हम यहाँ पे जो है वो लेमन भी ले लेते हैं, और इसके साथ साथ एप्पल्स अगर आपके हैं तो कौन से मुझे चाहिए, ये वाले एप्पल्स काला एप्पल्स हम ज़्यादा लेते हैं। और अच्छा आलू बोले तो इतनी किस्म के आलू थे, छोटे मीडियम लार्ज वन, और ये देखें मल्टी कलर के मिक्स करके जो है ना उन्होंने रखे हुए थे, और वाइट वाले भी थे, रेड वाले भी थे, ब्राउन वाले भी थे, प्याज भी यहाँ पे पड़े हुए थे, अच्छा बंद गोभी भी उस साइड पे थी। तो सारी जो सब्ज़ियाँ जितनी भी आपको चाहिए होती है ना मोस्टली वो यहाँ से मिल जाती हैं, सिर्फ भिंडी करेले और आप कह लें कि मूली वगैरह यहाँ से नहीं मिलता, लेकिन एक दो सब्जियों के अलावा जो है ना वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में होता है। और इसके अलावा जो है वो मुझे केचप भी चाहिएगा, और केचप जो है बड़ी बॉटल यहाँ पे $1 आई थिंक 79 सेंट्स की थी, कुछ इस तरह से थी। मेयो जो है वो भी बहुत सस्ती थी, तो मतलब सस्ती नहीं कह सकते आप, रीज़नेबल प्राइस, क्योंकि बाहर की जो शॉप्स होती हैं उन पर उन्होंने ओवर प्राइस हर चीज़ की होती है, लेकिन असल में जो आप इन शॉप्स पे जब आल्डी पे आते हैं या फिर आप वॉलमार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रॉसरी होती है रियल प्राइसेस तो वो भी होता है, ऐसा नहीं होता कि वो आपको फ्री दे रहे होते हैं या फिर उनका प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जो लोकल स्टोर्स होते हैं उनके पास ये होता है कि वो ओवर प्राइस होता है। और मोस्टली हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों के वॉलमार्ट तो ऑनलाइन अभी है, सो आप लोग वॉलमार्ट पे जाके ऑनलाइन, आप जो US में हैं मोस्ट ऑफ़ द पीपल मुझे US से देख रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वॉलमार्ट से, या फिर अगर बहुत ही आप कहते हैं कि आपने सेविंग करनी तो सबसे बेस्ट होता है वो आल्डी होता है, ग्रॉसरी सेविंग्स में अगर आपके बेस्ट इन द US इज़ द आल्डी, एंड इसका कोई जो है ना कि ये अनबीटेबल है। और पता क्या, ये जो ग्रॉसरी थी ना ये $100 की ग्रॉसरी थी, और आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रेड थी, अंडे थे, इसमें हर चीज़ थी, दूध था, और दूध ऐसे भी नहीं था कि 1 गैलन था, ऑलमोस्ट 10 लीटर जो है मिल्क था, और सब्जियां भी थी। मैं दोबारा से यहाँ पे आके जो है मैंने, मुझे याद आ गया कि मिंसा जो है वो उसको जूस बहुत पसंद है और वो जूस बहुत शौक़ से पीती है। ये देखें जी, ये $93 का ये बाज़ार है आल्डी से, और बाज़ार मीन्स के सारी ये जो ग्रॉसरी है इसमें देखें दूध है, सब कुछ है, ब्रेड है, एवरीथिंग इज़ हियर। कितनी सेविंग है यहाँ पे, इवन बच्चों के लिए मैंने जूस भी काफ़ी लिया है, दूध भी लिया है, अच्छा इसके अंदर अंडे भी लिए हैं, सब कुछ। तो फिर आल्डी से बेस्ट मैं कहती हूँ कोई भी नहीं है यहाँ पर, इतनी अच्छी प्राइसेस है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होके जा रहे थे, लेकिन सडनली जो है ना, जी बाबा बारिश शुरू हो गई थी, और विच कलर बाबा असलान मेरे पास आया हुआ है, और मैं भी अपने ब्लॉग ये जो है मैं इसको एंड करना चाहिए, ब्लू योर फेवरेट इज़ ब्लू। सो सबको भूख लगी हुई थी, और यहाँ पे जो है हम लोग तीसरा सब्वे था, लेकिन उनके पास वेजी पैटीज नहीं थी, तो फिर हम सब ने पिज़्ज़ा खाया, लेकिन बारिश जो है वो थमने का नाम ही नहीं। जी बेबी, जी बाबा, सो हम लोग बैठ के फिर ना यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। जी बाबा, यहाँ पे सो यहाँ पे जो है मैं अपने ब्लॉग का जो है एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको आल्टी का विज़िट जो मैंने करवाया और जो प्राइसेस आल्टी की बताएँ कि कितनी अच्छी हैं, और ग्रॉसरी आप कहाँ से चीज कर सकते हैं। सो जी बाबा, सो अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में। जी भी याद रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, और फी अमान अल्लाह।